कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने कुछ इस तरह की छापेमार कार्रवाई की कि अक्षय कुमार की मशहूर फिल्म स्पेशल 26 की याद दिला दी। जी हां, इस पूरी कार्यवाही की योजना कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री सीएम कमलनाथ और निर्वाचन आयोग तक को इसकी खबर घंटों बाद लगी। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। अब तक आपने फिल्मों में सियासत के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश की सियासत में फिल्मी किस्सा सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रदेश की राजनीति में चल रहे सियासी छापे की कहानी भी कुछ अक्षय कुमार की मशहूर फिल्म स्पेशल 26 जैसी है, जहाँ रेड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन सियासत की रेड में एक दो नहीं बल्कि 300 अफसरों और 300 कर्मचारियों ने 50 ठिकानों पर अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक इस छापे की तैयारी पिछले 15 दिन से चल रही थी। इस दौरान कई अधिकारी दिल्ली से इंदौर आए और संदिग्धों पर नजर बनाए रखी गई। जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूरी जानकारी जुटा ली, तब स्पेशल 26 की तर्ज पर इस कार्यवाही का फुल प्रूफ प्लान बनाया और इसे अंजाम दिया। इसकी जानकारी न तो सूबे के सीएम को थी और न ही प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी वीएल कांता राव को। उसकी जानकारी मुझे सुबह 8 बजे प्राप्त हुआ, जो इनकम टैक्स का नोडल ऑफिसर है मध्य प्रदेश का, उनके माध्यम से मुझे सुबह 8 बजे प्राप्त हुआ कल सुबह। नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, जो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होगा वो हम आपको जानकारी। 30 घंटे चली इस कार्यवाही में कुल 281 करोड़ रुपए के बेहिसाब कैश रैकेट का पता चला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस CBDT ने बताया कि राजनीति, व्यापार और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के जरिए यह रकम इकट्ठा की गई थी। इस दौरान एमपी पुलिस और CRPF के बीच टकराव की स्थिति भी बनी, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। वहीं CRPF का आरोप था कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं किया। जो सभी को प्रेट कर रहा है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी भी कॉर्पोरेट कर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आपको बताया जाएगा। प्लीज आपको ऐसी क्या नौबत आ रही है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे को सीनियर अथॉरिटी ने बताया कि कोई भी बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हो गई हैं। एक और भाजपा ने इसे कमलनाथ सरकार का भ्रष्टाचार बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरी कार्यवाही को द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करार देते हुए इस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बताया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रदेश की सियासत के तमाम बड़े नेताओं के बयान, जिनके चलते प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक दृष्टि से जो दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई सफल होने वाला नहीं है। IT डिपार्टमेंट को अपनी कार्रवाई पूरी तरह से करना चाहिए, लेकिन मध्य जो शांति का टापू था उसको संविधान को ध्वस्त करने के लिए संघर्ष का अखाड़ा बना दिया गया। अगर कुछ गलत नहीं तो डर किस बात। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है, विचारधारा स्वरूप हम में नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज नफरत से करती है। जो कार्रवाई की यहीं नहीं की, आंध्रा में भी की, बंगाल में भी की, कर्नाटक में भी की, ऐसी कार्रवाइयाँ समय समय पे नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पे राजनीतिक लाभ के लिए करती रही है। मिला कुछ नहीं, 0/0 सन्नाटा।
पाँच साल पहले भाषणों में आपने कहा था कि कई आरोप अलग अलग तरीके से विपक्ष के राजनीतिक दलों पर लगाए थे, एक व्यक्ति के खिलाफ पाँच साल कार्रवाई नहीं कर पाए, चुनाव आए और इनका जिन जागता है, देश की जनता समझती है। ऐसा है कि जहाँ तक मुख्यमंत्री के ओएसडी का सवाल है, दोनों के यहाँ कुछ नहीं मिला, ये भी आयकर विभाग ने स्पष्ट कहा है। जिन लोगों के यहाँ मिला है, वो मैंने कल भी कहा था कि उसने खुद ने कहा कि मेरा संबंध भारतीय जनता पार्टी से, तो कार्रवाई की, जो जिसकी गलती है उसको सजा मिले, पर राजनीतिक द्वेष भाव से मिले ये बताएं नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निसचिव, उनके ओएसडी और भी उनसे जुड़े हुए अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध जो इनकम टैक्स ने रेड की है, उनके घरों पर रेड की है और उसमें जो अरबों रुपया जब्त हुआ है, अपने आप में हिंदुस्तान की एक अभूतपूर्व घटना है। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद शायद इस प्रकार का कभी कोई घटनाक्रम नहीं हुआ होगा। बहुत बड़ी राशि का जब्त होना अपने आप में ये बताता है कि ये राशि भ्रष्टाचार के द्वारा एकत्रित की गई थी। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, विधानसभा के अंदर भी, बाहर भी, अखबारों के माध्यम से भी, आम सभाओं के माध्यम से भी, कि मध्य प्रदेश में घोर प्रशासनिक अराजकता व्याप्त हो गई है। अधिकारियों कर्मचारियों के पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पहले कभी नहीं होता था। कलेक्टर और एसपी की पदस्थापनाएं भी सीधे रुपए लेके की गई और भी उनसे वरिष्ठ अधिकारियों तक की पदस्थापना सीधे रुपए लेके की गई, जो कि इस राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। और इसी कारण से मध्य प्रदेश में अत्याचार भी बढ़े, मध्य प्रदेश में घटनाएं भी बढ़ी, आपराधिक घटनाएं बढ़ी और मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी। पैसे लाओ और ऑर्डर ले जाओ, ये स्थिति थी, उसी से संग्रह किया हुआ ये सारा का सारा पैसा है। मैं मान के चलता हूँ कि नैतिक आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनसे जुड़े अधिकारियों को और भी जो मंत्रीगण हैं इसमें मालूम, जिनके बारे में प्रमाण पाए जाएं, उन सभी लोगों के लिए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। शुचिता और शुद्धता की राजनीति हमें मध्य प्रदेश में करना चाहिए। उसके लिए हमें एक आदर्श बन के मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्रीगणों को और उनसे संलग्न स्टाफ जो है उसको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की नाक को नीची करने वाली एक ऐसी घटना है जिसके बारे में देश में कभी कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। अब देखिए, ये तो श्रृंखला है नरेंद्र मोदी, मैंने जैसा कि तानाशाह लोगों ने इस देश पे कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, पहले मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव के वहाँ छापा मारा, फिर मायावती पे दबाव बनाया कि गठबंधन, उन पे छापा मारा, फिर ममता बनर्जी के आसपास के लोगों पे छापा मारा। तो जहाँ इन्हें लग रहा है कि इनकी सत्ता बिखरती जा रही है, उन राज्यों में ये इस तरह की बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आज सारे स्टेटमेंट आ गए। 100 दिन में लगभग 100 करोड़ की कमाई, गजब है मेरे भाई। कांग्रेस की करिश्मा या स्थानांतरण उद्योग की कमाई, लोकसभा में कर दो इस कांग्रेस की विदाई। समझ में नहीं आ रहा किसानों के कर्जे का पैसा कहां जा रहा था, अब थोड़ा ध्यान आया। नौजवान का बेरोजगारी भत्ता कहां जा रहा था, अब हल्का सा समझ में आ रहा है कि ये पैसा कहां जा रहा था। कुल मिलाकर स्पेशल 26 की तर्ज पर की गई इस छापेमारी की आवाज देश की राजनीतिक गलियारों तक पहुंची। एक और भाजपा पूरे मामले को मिशन 2019 में भुनने में लग गई है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगा रही है। बहरहाल ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, और सत्ता की इस पूरी पिक्चर में जनता किसे अपना हीरो मानती है, निश्चित तौर पर जनता उस पर विश्वास जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।